1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी और उस कविता के माध्यम से उन्होंने चीन को चेताया है और बताया है कि भारत क्या है। सुनो, कविता का शीर्षक है चेतावनी। यह कालजयी कविता आज भी प्रासंगिक है। आज के संदर्भ में इस कविता का मैं पाठ करता हूं, आप सभी सुने। शीर्षक है चेतावनी। भारत की ये परंपरा है, जब नारी के केश खींचे जाते हैं, धर्मराज का सिंहासन डोला करता है, क्रुद्ध भीम के बाहु फड़कते, वज्रघोष मणिपुष्पक और सुघोष करती, गांडीव की प्रत्यंचा तड़पा करती है, कहने का तात्पर्य एक महाभारत होता है। तूने भारत को केवल रेखांश और अक्षांश जाल में बद्ध चित्रपट समझ लिया है, जिसकी कुछ शीर्षस्थ लकीरें तू जब चाहे घटा मिटाकर अपने नक्शे में दिखला ले। हथकड़ियां करकड़ा बेड़ियों को तड़काकर अपने भल पर मुक्त खड़ी भारत माता का रूप विराट मदांध तूने नहीं देखा, ना अपने भौतिक दृष्टि से इसे देख सकेगा। आकर कवि से दिव्य दृष्टि ले, आकर कवि से दिव्य दृष्टि ले। पूरब पश्चिम आगम जलंधर हिंद महासागर की अग्नि थिल्लोलित कल्लोलित लहरें जिन्हें अहर्निश प्रक्षालित करती रहती है विरल, वह है भारत माता के पुण्य चरण। पग्नखाग्र में कन्याकुमारी का मंदिर सुशोभित, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट उन्हीं के पीन पुष्ट दृढ़ जंग पाठ है। बिंद मेखला कसी हुई कटी प्रदेश में बक्ष स्थल पर गंगा जमुनी हार झुलता तड़काकर, फिर कौशल ब्रिज के दुग्धार से राम कृष्ण बल वैभव सिंचित, शिव धनु खंडित रावण मर्दित इंद्र विनिंदित कंस बुलुंठित व्यास कंठ में, दक्षिणांग में खड़ग और जवाहर ज्वाल का राजस्थानी महामरुस्थल दीप्तमान है, जिसके नीचे लक्ष लक्ष हल गीतों की लयगति पर चल, भूखा करती आंचल धानी करती पीला, और वो देख भाल दिव्य शुभ रहीम सजीला, जिसके ऊपर कश्मीरी केसर क्यारी का खौर लगा है। हिंदू कुश और हिमालय की सघन शिला बल्लरियां दूर 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 तक छिटरी छिटकी बिखरी फैली, अमरनाथ गौरी शंकर कैलाश कुशुंबित, वह है भारत माता के कंधों पर अवलंबित, जिनकी अलके लाग लटे हैं बेनी चोटी जिसकी, जो कि हमारी जीवित परंपरा में नारी के गौरव का शीर्ष चिन्ह है। लाज बचाने को मूल्य बड़ा से बड़ा चुकाने को हम रहते उद्धत, तो तूने आज इस कोटि कोटि मां की भव्य लटा को खींचा है, छेड़ा है, किस नशे में तू अपने आप से बाहर चला गया है। संयम हम इसलिए साध रहे हैं तुझे नहीं मालूम, भारत की यह परंपरा है, जब नारी के केश खींचे जाते हैं, धर्मराज का सिंहासन डोला करता है, कृत भीम के बाहु फड़कते, वज्रघोष मणिपुष्पक और सुघोष करती, गांडीव की प्रत्यंचा तड़पा करती है, कहने का तात्पर्य एक महाभारत होता है। अगर कभी थोथी ममता दुर्बलता किम कर्तव्य मूर्ता व्यापा करती, कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो आज संदिग्ध और स्वतः सिद्ध वाणी में कहते, उत्तिष्ट युद्धस्व भारत, युद्ध के लिए उठो। धन्यवाद दोस्तों, यह है चेतावनी चीन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।